हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल माई टी की नोट्स पर। दोस्तों, आरआरबी जेई भोपाल की ओर से बहुत बड़ी नोटिस निकल कर आ रही है, जिसमें 107 कैंडिडेट को फिर से मेडिकल के लिए बुलाया गया है। जी हाँ दोस्तों, 107 कैंडिडेट फिर से मेडिकल के लिए बुलाए गए हैं। और क्यों बुलाए गए हैं, क्या कारण है, इसका रीज़न है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसका पैनल पार्ट वन कब तक जारी किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरआरबी जेई के जितने भी पैनल आ रहे हैं या डिवीज़न से संबंधित जो भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, और जो ज्वाइनिंग लेटर भेजे जाएँ, कब तक भेजे जाएँ, क्या प्रोसेस होता है उसके लिए, आप क्वेरी कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो देख लेते हैं, और ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। देखिए क्या लिखा गया है इसमें। वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ सीन 3/2020, कंसिडरिंग द अप्लाइड प्रेफरेंस फॉर कैंडिडेट, इट हैज़ बीन फाउंड दैट 107 कैंडिडेट वर अर्लियर एग्जामिनेंट की कैटेगरी B1 एंड C1। देखिए, सबसे पहले इसमें समझने वाली क्या बात है कि कैंडिडेट को पहले तो उसके प्रेफरेंस के आधार पर उसका मेडिकल टेस्ट किया गया था। यानी जिसका प्रेफरेंस पहले B1 कैटेगरी या C1 कैटेगरी का था, तो उसका पहले B1 और C1 कैटेगरी के लिए उसका मेडिकल कर लिया गया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रिजल्ट उसका प्रिपेयर किया जा रहा है, तो उसमें देखा गया है कि जो कैंडिडेट B1 और C1 में नहीं आ रहे हैं, वो मतलब उससे बाहर चले जा रहे हैं, तो उनका फिर से जो तीसरी प्रेफरेंस है A3 की है, उसमें उनको फिर से A3 के लिए बुलाया गया है। शायद उसमें उनका सिलेक्शन हो सकता है, या फिर वेटिंग में जाएंगे तो वेटिंग में, नहीं तो उनके सिलेक्शन के लिए फिर से A3 के लिए बुलाया गया है। यानी जैसे तीसरी प्रेफरेंस डाल दी उन्होंने A3 वाली, पहली थी B1 या C1 जो भी कुछ हो, उसके लिए उसका जो एग्जामिनेशन था कर लिया गया था B1 और C1 कैटेगरी के लिए। लेकिन A3 में अब उस कैटेगरी में वो एलिजिबल नहीं है, यानी उनके मार्क्स कम हैं, तो उन्हें फिर से जो अगली पोस्ट है A3 की, उसके लिए बुलाया गया है, उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए बोला गया है कि आप आइए और A3 को क्वालिफाई करिए। अगर ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगला पोस्ट है उसमें, अगर उनका नंबर सही है तो उनको सीट अलॉट कर दी जाएगी। उसमें लिखा गया है, कंसिडरेशन फाइनल स्टैंड बाई अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट विच हैज़ अ मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ A3। देखिए लिखा गया है A3 के लिए इन्हें बुलाया गया है, मतलब B1 C1 तो ये क्वालिफाई थे लेकिन A3 क्वालिफाई नहीं थे। हैंस दिस 107 कैंडिडेट आर रिक्वायर टू अटेंड रेलवे डिविजनल हॉस्पिटल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन कैटेगरी A3 एज पर फॉलोइंग। इसमें डेट दी गई है किस किस डेट में और किस किस हॉस्पिटल में आपको जाना है। तो देखिए, इसमें एक लिस्ट दी गई है जिसमें 107 कैंडिडेट का नाम दिया गया है। इसमें 20 तारीख से मेडिकल शुरू हैं। ये देखिए, इनका रोल नंबर मेंशन है, इसमें नाम मेंशन है, इसमें कौन से हॉस्पिटल अलॉट किया गया है वो इसमें मेंशन किया गया है। तो देखिए, डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल भोपाल, ये सब भोपाल वाले हैं। जिन जिन कैंडिडेटों का अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं आरआरबी भोपाल वाले, जिन जिन कैंडिडेटों को जहाँ बुलाया गया वहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो देखिए, 20 तारीख को इन कैंडिडेट को, कितने कैंडिडेट हैं इसमें देखिए, 21 कैंडिडेट, यानी 20 तारीख को या 21 तारीख से स्टार्ट हो जाते हैं। ये भोपाल वाले हैं सब, जिन जिनको भोपाल डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल भोपाल बुलाया गया है। ये देख लीजिए, ये सब भोपाल है। आगे शायद जबलपुर वाले हैं, यहाँ से देखिए 20 तारीख के ये जबलपुर वाले हैं, ये देख सकते हैं। ये डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल जबलपुर में भी इन्हें रिपोर्ट करना है। यानी 3 हॉस्पिटल इन्होंने सेलेक्ट किए, एक तो भोपाल, एक जबलपुर और एक कोटा। अगली लिस्ट कोटा की है, देख लीजिए, ये अपना रोल नंबर इसमें चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया था। देखिए, जबलपुर के बाद ये कोटा वाले हैं, 20 से 22 तक चलने वाले हैं इनके मेडिकल। और आप जितने भी कैंडिडेट इसमें इनका रोल नंबर मेंशन है वो ज़रूर जाएं अपना डॉक्यूमेंट लेकर, और अपना जो भी कुछ भी ले जाएं, जो भी अगर ईमेल पर भेजा जाता है, जैसे आपका एडमिट कार्ड वगैरह ईमेल पर भेजा जाता है, तो आप वो ले जाइए, नहीं कुछ ना कुछ आप प्रूफ वहाँ पर ले जाएं। तो देखिए, इतने कैंडिडेट, ये 107 कैंडिडेट हैं, ये इसमें किए गए हैं। और इन केस, ये नीचे लिखा गया है, इन केस एनी ऑफ द अबव मेंशनड कैंडिडेट फेल्स टू अटेंड दिस मेडिकल एग्जामिनेशन, ही विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर पोस्ट रिक्वायरिंग A3 मेडिकल क्लासिफिकेशन एंड विल बी एलिजिबल फॉर ओनली दोज पोस्ट्स हैविंग B1 एंड C1 मेडिकल कैटेगरी। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, अगर कैंडिडेट A3 में फेल करता है या नहीं आता है, नहीं पहुँचता है मेडिकल कराने के लिए, जो डेट दी गई उसमें नहीं पहुँचता है, तो उसे B1 और C1 कैटेगरी में मेडिकल फिट मान लिया जाएगा, A3 में उसे फेल कर दिया जाएगा। तो ये सब 16 तारीख की ये अपडेट है और ये सब लिखा गया है। तो ये आप जाइएगा, जिस जिसका रोल नंबर इसमें मेंशन है वो ज़रूर जाइएगा और अपना मेडिकल करा के आइएगा। और आरआरबी की जितनी भी अपडेट आती है उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।